इसी पवित्र वचन के अगुवाई में मैं बोस्नर पवित्र कलीसिया का नियुक्त सेवक होकर के महिला सम्मेलन कार्यक्रम के निमित्त जो मंडप बनाया है वह है त्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और आत्मा के नाम से उद्घाटन करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी देवों के पिता परमेश्वर, सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर कार्य दिवस में हमारे जीवन को तू जोड़ा है और प्रातःकाल से लेकर अब तक के जीवन हे प्रभु सहायता अगुवाई किया, सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज हम सबों को सुंदरगढ़ पेरिश काउंसिल महिला सम्मेलन के अवसर पर इस मंडप तले उपस्थित होने का अवसर दिया, इसके निमित्त हे प्रभु तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है प्रभु आज के इस कार्यक्रम के निमित्त जो मंडप का निर्माण किया गया है, हे प्रभु इस मंडप को तेरे सामर्थ्य समर्पित करते हैं। तो आदृश्य परमेश्वर होकर उपस्थित हो ताकि हम तेरी उपस्थित संगति में आज के कार्यक्रम को हम तेरे नाम से प्रारंभ कर सके, संचालन कर सके और समापन करने में तू आप ही हमारी सहायता अगुवाई कर। हे प्रभु इसलिए इस मंडप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, चाहो और तू उपस्थित हो ताकि हम तेरी सुरक्षित संगत में रहने सके और आज के हर एक कार्यक्रम को तेरे नाम से प्रारंभ कर सके, संचालन कर सके और समापन करने तू आप ही सहायता अगुवाई कर। जितने भी वक्तागण हैं जो आज के कार्यक्रम के निमित्त उपस्थित हैं उन्हें भी तेरे हाथ समर्पित करते हैं, उन सबों के साथ हो। जो भी कार्यभार उन्हें दिया गया है वे बाखूबी निभा सके और कार्यक्रम को सफलवंत बना ले सके। उसी प्रकार जितने भी उपस्थित माता पिता भाई बहन बच्चे जितने दूर दराज से आए हैं सभी तेरे हाथ में समर्पित होते हैं, आज के इस कार्यक्रम में सारे पहुँच सके और आत्मिक आनंद लाभ प्राप्त कर सके और सभी मिलकर तुझे धन्यवाद दे सके। जितने भी आज के कार्यक्रम को सफलवंत बनाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं, हे प्रभु सभी योगदान में तू आप ही सहायता गवाही कर ताकि सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को हम सफलवंत बना सके, आनंद मना सके, खुशी बना सके और तुझे धन्यवाद दे सके। तमाम पाप दोस्तों क्षमा कर प्राप्त मसीहों के नाम से मांगता हूं, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग प्रीति पर भी हुए, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा मत डाल परंतु नहीं छुड़ा, क्योंकि राज और प्रक्रम मातम सदा तेरी है। आमीन। कोई उच्चारण करेंगे, जगत की ज्योति, सबको एक साथ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। इसी पवित्र वचन की अगुवाई में मैं इस कैंडल को दीप प्रज्वलित करता हूँ। आमीन। Thank you.
के डायरेक्टर हाँ डायसिस के डायरेक्टर पत्री लतारी बरला को अनुरोध करती हूँ और सामने आकर के लाइटिंग करें। आओ थोड़ा दे दो भजन संहिता 119 105 प्रभु का वचन इसमें कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। आमीन।
माता बेटी के बारे बताना चाहूंगी जो बहुत सालों से हमारे साउथ वेस्ट डायसिस महिला संघ को मजबूती से संभाले हुए हैं। मेरे जानकारी में वर्षों से सेक्रेटरी का पद वे संभाले हुए थे और अभी वे सभापति हैं। इनके पास हमारे महिला संघ के बारे में कोई भी जानकारी यदि आप जानना चाहे तो आप इनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल वे राउरकेला में रहते हैं। मैडम, आपकी उपस्थिति और आपका बहुमूल्य समय सुंदरगढ़ पीड़ित को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि इनका स्वागत जोरदार तालियों से किया जाए। धन्यवाद धन्यवाद। शांतिलता दीदी सामने आ जाए और शीला बाबा। धन्यवाद। आगे हम आप सबों को परिचय हमारे सेक्रेटरी श्रीमती विश्रामी हेमरम से करना चाहूंगी जो फिलहाल राजगमपुर में रहती है। पिछली बार वे हमारे साउथ वेस्ट डायसिस के महिला संघ के सभापति थे। अभी वे सेक्रेटरी हैं और राजगमपुर मिशन स्कूल में कार्यरत है थे। इनका भी साउथ वेस्ट डायसिस महिला संघ को मजबूत बनाए रखने में बड़ा हाथ है या योगदान है। मैडम, आप सबों को हमारे बीच में पाकर हम बहुत उत्साहित और खुश हैं। आप हमें अपना कीमती समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सुंदर स्वागत के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस सहर। हमारे बीच में पादरी सज्जन सुरीन मौजूद है, हमारे सुंदरगढ़ पेरिस के सभापति हैं। आप सभी इनसे अच्छी तरह से परिचित है। हम पादरी साहब को धन्यवाद देते हैं अपना कीमती समय हम लोगों के लिए दिए। महिलाओं से अनुरोध है जोरदार तालियों से स्वागत करें। मिसेस प्यारी खेस, सुंदर स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबों को यीशु सहाय। हमारे बीच में पादरी इशाक बारला मौजूद है, हमारे सुंदरगढ़ पेरिस के उपसभापति। हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं हमारे लिए अपना कीमती समय दिए हैं। महिलाओं से अनुरोध है जोरदार तालियों से स्वागत। इस सुंदर स्वागत के लिए सुंदरगढ़ पेरिस कंट्री के महिला संघ को बहुत बहुत धन्यवाद सबों को यीशु से है। I'm not afraid.
माननीय विधायक माननीय जोगेश सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज उनको अपने स्टेज इनॉग्रेशन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में पाकर हम उन्हें अपने आप बहुत ही सम्मान, सौभाग्य और आनंदित महसूस कर रहे हैं। जोगेश भाई, आपण मैंने एत सुंदर स्वागत कले से आपको धन्यवाद। ईशु साहेब, मैं मिसेस बारला को सामने बुलाती हूँ। मिसेस जसमानी बारला वही बैठे बुलाती हूँ इनको सम्मानित करने के लिए। प्लीज आइए मैडम। आप सभी कोई इनको सम्मान दीजिए ताली मारकर। धन्यवाद। उसके बाद हम लोग दूसरे सुंदर महिला मिसेस सतेन कोनगाड़ी को सामने बुलाते हैं। जिन्होंने हमारे मंडी पेरिस को संभालने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किए हैं। इनका काम, इनका सेविकाई हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक हो रहा है। मैं हमारे सभापति मिसेस शांतिलता तिर्की को सामने बुलाती हूँ इनको सम्मानित करने के लिए। प्लीज आइए। ताली बजते रहना चाहिए, ताली रुकना नहीं चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम लोग तीसरी खूबसूरत महिला मिसेस विश्वासी लकड़ा को भी सामने बुलाते हैं। जिनके काम, उनका सहयोग हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। आज मुझे याद है जब ये हम लोग शुरू पंच में अधिकारी में आए थे, हम लोग को बहुत गालियां दे दे के हम लोग को संभालते थे और सही रास्ता दिखाते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैडम, आपका गालियों के लिए भी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोगों का मार्गदर्शन के लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं। आप तीनों हम लोग का मजबूत ये खंबा थे, आज भी हम लोग आपको वही रूप में देखना चाहते हैं। और अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हम लोग की सेक्रेटरी मिसेस विश्रामी हेमरम को सामने आकर उनको सम्मानित करें। तालियां बजते रहे। सुरक्षित रखा है, नया जीवन नया दिन देने के साथ साथ सुंदर संगति को दिया है कि हम इस सम्मेलन को हर्ष के साथ मनाने पा रहे हैं। तो आज के सुंदरगढ़ पेरिस महिला सम्मेलन के शुभ अवसर पर सभा में उपस्थित हर एक छोटे बड़े सबों को आज के सम्मेलन की हार्दिक शुभकामनाएं और सबों का स्वागत है।
तो आइए इस समय हम फिर से स्वागत में जाएंगे और मैं अनुरोध करती हूँ जिनका हमने स्वागत नहीं किया है वे मंच के निकट आ जाएंगे। तो इस घड़ी हमारे पेरिस अधिकारी, युवा संघ पेरिस अधिकारी, पेरिस संडे स्कूल अधिकारी और हमारे सुंदरगढ़ पेरिस के अंतर्गत जितने भी प्रचारक गण हैं, सुंदर प्रचारक गण हैं, सुंदरगढ़ एवं सकरा मंडली के अधिकारी, महिला अधिकारी साथ में सम्मेलन के लिए चर्च कैंपस के साफ सफाई में इन भाइयों ने अपना पूरा सहयोग दिया है। सुंदरगढ़ इनका नाम है हमारे सुंदरगढ़ मंडली के सचिव मिस्टर सुचित टोपनो, भाई सनमोहन एक्का, भाई ईश्वरदान होरो, भाई सचिन मुंडा और युवा में से किरण बागे और जोन भेंगरा, आप लोगों से मेरी निवेदन है कि कृपया मंच के निकट आ जाएं। और इस घड़ी हमारे स्थानीय मंडली और सकरा मंडली के बहनों से मेरी अनुरोध है कि वे स्वागत के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी बड़ा है और मैं पेरिस महिला समिति का पेरिस मेंबर। मेरा नाम अल्बिना बागे है, मैं सुंदरगढ़ मंडली का उपसभापति हूँ। समर को एक के साथ यीशु सहाय। मेरा नाम शोभा धान है, मैं सुंदरगढ़ मंडली महिला समिति की सभापति हूँ। मेरा नाम सुभाषिनी सोरेन है और मैं पेरिस मेंबर हूँ। सबको एक ही साथ यीशु सहाय। माय पादरी सेजन सुरेन, सुंदरगढ़ पेरिस का सेवा यीशु सहाय। मेरा नाम नेमास बाड़ा और सुंदरगढ़ पेरिस काउंसिल का